CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम बिलहरा में लगातार जंगलों से सागौन की कटाई की खबरें मिलने के पश्चात विगत एक सप्ताह से बिलेरा ग्राम में लकड़ी की अवैध खरीद फरोख्त की सूचना पर वन विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की पुरजोर कोशिश की, मगर आरोपी हाथ नहीं लग सके, जिसके पश्चात विगत दिवस संदिग्ध आरोपी सीताराम वल्द, शंकर दुबे, शिव प्रसाद साहू एवं राजकुमार राजपूत वल्द दुर्ग सिंह राजपूत निवासी वलेरा के निवास पर सर्च वारंट निकाल कर तलाशी ली गई, जिसमें शंकरलाल दुबे के मकान के पास भूसे के ढेर में 28 नौ सागौन एवं 7 बड़े सागौन नग प्राप्त किए गए। शिव प्रसाद साहू के घर पर 8 एवं राम कुमार राजपूत के घर से 3 नग सागौन के प्राप्त हुए। कार्रवाई के पूर्व ही सभी आरोपी मौके से भाग निकले, जिससे किसी भी आरोपी को मौके से पकड़ा नहीं जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार विलेरा में हुई कार्रवाई में जिन लोगों के घरों पर दबिश दी गई, वो पूर्व में भी लकड़ी के अवैध कारोबार में संलिप्त रहकर जेल भी जा चुके हैं। विगत दिवस नरसिंहपुर में इन्हीं मामलों को लेकर उनकी कोर्ट में पेशी भी करवाई गई थी, परंतु छापे की सूचना मिलते ही वो और उनका पूरा परिवार भाग गया। अधिकारियों के अनुसार ये सागौन तस्कर सागर जिले के केवलारी पट्टी ग्राम डोभी रसेना ग्राम के कुछ लोगों से सागर वन मंडल की लकड़ी को खरीद कर उसका भंडारण एवं दूर दूर तक क्रय विक्रय करते थे। इन सभी आरोपियों पर मध्य प्रदेश व्यापार विनिमय अधिनियम 1969 की धारा 5 का उपबंध 1 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें सभी आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही नरसिंहपुर वन मंडल की भी सघनता से जांच की जाएगी, जिसमें संबंधित कर्मचारियों पर भी विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित होगी। वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई विगत दिवस वलेरा ग्राम में संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें तेंदुखेड़ा वलेरा भरमान हीरापुर रिछ वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से योजना बनाकर कार्य किया था, जिसमें मुख्य रूप से अरविंद जोशी उपवन मंडल अधिकारी बरमान एवं पीके खत्री के निर्देशन और मार्गदर्शन में दिनेश मालवीय के द्वारा टीम गठित करके कार्रवाई की गई, जिसमें प्रभारी अरविंद जोशी सुरेश मिश्रा, वन परिक्षेत्र सहायक वेलेरा ठाकुर राजेंद्र सिंह, वन परिक्षेत्र सहायक तेंदुखेड़ा गोपाल प्रसाद पटेल, वन परिक्षेत्र सहायक ऋषि एवं बरमान की प्रमुख भूमिका रही। कार्यवाही में वन रक्षक महेश कुमार आचार्य, अंकित पवार, कीतेश पटेल, सुरेंद्र शर्मा, प्रीतम चौधरी, रामकिशोर सराठे, भागीरथ दुबे, रूप नारायण पटेल, सचिन पटेल, दिनेश घोसी, जितेंद्र पटेल, राजेश शर्मा, दैनिक वेतन भोगी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सीताराम दुबे के यहाँ सागौन की लकड़ी रखी हुई है। मौके पर पहुंचकर देखा तो सीताराम यादव मौके पर नहीं मिले, सॉरी सीताराम शर्मा दुबे मौके पर नहीं मिले। उनके मकान के बाजू में भूसे के कमरे में 42 सिल्ली सागौन सिल्ली जब्त की गई, एवं उनके मकान के पीछे की तरफ बाड़े में 7 सागौन के लट्ठा जब्त किए गए। मौके पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई और उसको जब्ती बनाकर प्रमाण ले जाया गया। जी सर, ठीक।